हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी होटल और रेस्टोरेंट में चिकन दम बिरयानी कैसे बनाया जाता है। दम बिरयानी बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है कच्ची बिरयानी, एक होता है लेयर दम बिरयानी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन लेयर दम बिरयानी की रेसिपी, जिससे कि हमारा चावल एकदम खीला खीला बनेगा और चिकन जो है ना एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलते हैं रेसिपी कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ले लिया है। इस चावल को हमें 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ले लिया है, तो इस चावल को हम बहुत अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। ये देखिए चावलों को यहाँ पे हमें कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस चावलों को हम 1/2 से 1 घंटा तक भिगो के रखेंगे। अब चलिए बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 पतीला में 2 कप के करीब मैंने तेल डाल दिया, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर 1/2 किलो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया बिरयानी बनाने के लिए। यहाँ पर हमको चाहिए फ्राई ऑनियन, तो यहाँ पर देखिए ऑनियन को हमें अच्छे से एकदम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए चलिए प्याज को यहाँ पर हमें गोल्डन ब्राउन करके एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप चाहे यहाँ पर किसी भी पेपर के ऊपर रख सकते हो, मैं 1 प्लेट में निकाल दिया। चलिए अभी बाकी प्रोसेस देखते हैं। और देखिए बचा हुआ ऑयल में यहाँ पर हमें 1 किलो चिकन ले लिया है। जितना आपको चावल लेना है उतना चिकन का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए पूरा 1 किलो यहाँ पर मैंने चावल लिया, 1 किलो चिकन ले लिया। अब डालूंगी यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही साथ यहाँ पर हम डालूंगी मसाला। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर तीखा के लिए। और अभी डालूंगी यहाँ पर रेडी जो बिरयानी मसाला रहते हैं, ये मसाला पूरा मैंने 1 पैकेट डाल दिया। और डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच मैंने दही डाल दिया। और लास्ट में डालूंगी यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लास्ट में डालूंगी बारीक कटा हुआ पुदीना। और अभी डालूंगी यहाँ पर हमारा फ्राई किया हुआ ऑनियन। देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 हिस्सा डालूंगी और 1/2 हिस्सा हम लास्ट में यूज़ करूंगी। डाल दिया और सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया, अभी यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च 4-5 और आलू यहाँ पर डाल दिया 2-3। अगर आपको पसंद है आप डाल दीजिए, नहीं पसंद तो स्किप करें। और मैरिनेट करके यहाँ पर चिकन को आप कम से कम 30 से 35 मिनट इसी तरह से छोड़ देना। 30 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। चलिए गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और चिकन बिठा देते हैं। चिकन यहाँ पर हम पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए अभी बिरयानी के चावल तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 पतीला में हमें पानी डाल दिया और अभी डालूंगी यहाँ पर नमक। चावल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नमक, क्योंकि चावल में अगर नमक अच्छा से पड़ जाए तो बिरयानी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 2 तेज़पत्ता। लौंग थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अभी हमारा जो चावल भिगो के रखा था 1/2 घंटा पहले, उस चावल को हम डालेंगे। और इस चावल को हम पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पतीले के नीचे नहीं चिपके। तो इस चावल को हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे लगभग। तो गैस का फ्लेम हम हाई रख के ही पकाएंगे ताकि चावल में अच्छे से बॉयल आ जाए। तो देखिए चावल यहाँ पे अच्छे से 90-80% पक गया है। चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर हमारे चिकन पका क्या नहीं। तो देखिए चिकन यहाँ पर 1/2 पक गया है। चिकन में से थोड़ा ग्रेवी हम उठा के रखेंगे ताकि हम जब लेयर बनाएंगे ना, लेयर में इस ग्रेवी को हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेवी थोड़ा रख लिया है। फिर से हम चिकन को अच्छे से मिक्स करके फिर से हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से पक गया है। अभी हम यहाँ पर चावल डालेंगे। तुरंत ही हम इस चावल को चिकन के अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से हम चावल का लेयर लगाएंगे। आप चाहे बीच में से 1 लेयर में मसाला वगैरह ये सब डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पर पूरा ही डालने के बाद सब कुछ डालूंगी। और देखिए एकदम चावल हमने डाल दिया है। अभी डालूंगी यहाँ पर जो हमने ग्रेवी बचा के रखा था, इस ग्रेवी डालूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर फूड कलर ये एकदम ऑप्शनल है, अगर है तो आप डालिए, नहीं है तो स्किप करें। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना और साथ ही साथ हम डालेंगे यहाँ पर घी। घी से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर निकलेगा। और साथ ही साथ लास्ट में हम डालेंगे जो हमने फ्राइड ऑनियन बचा के रखा था, ये ऑनियन डालूंगी। सब कुछ हमने डाल दिया, बिरयानी को अच्छे से एकदम सजा लिया। अब चलिए दम पे बिठाते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे फॉइल पेपर से मुड़ के भी दम पे बिठा सकते। मैंने यहाँ पर आटा का लेयर लगा रहा हूँ। इसी तरह से देखिए ढक्कन के बीच में आटा का लेयर लगा के हम दम पे बिठाएंगे। और देखिए यहाँ पर एकदम अच्छे से हमने कवर कर लिया। इसी तरह से हम 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चावल के अंदर फ्लेवर आ जाए। चलिए बिरयानी पकती हुई यहाँ पर 5 मिनट हो गए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा बिरयानी एकदम अच्छे से पक गया है। देखिए कलर कितना अच्छा सा लग रहा है।
और ये देखिए बिरयानी को कभी बीच में से नहीं उठाने का, इसी तरह से साइड में से उठाने का। इसे क्या होगा, हमारा चावल टूटेगा नहीं है, ऐसे ही खीला खीला बनेगा। देखिए इस बिरयानी का चावल कितना अच्छे से खीले खीले बनी है। चलिए अभी फटाफट से सर्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा चिकन दिखा देते, तो ये देखिए हमारे चिकन यहाँ पर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इतने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप चिकन बिरयानी बना सकते हो। तो आज का इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का इस वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।